होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। ये वैकेंसी उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई है। चलिए आइए देख लेते हैं क्या है। होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर ग्रुप बी की ये वैकेंसी है जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से है। और आइए देख लेते हैं इसकी वेबसाइट। इसकी वेबसाइट जो है वो ये है कि www.opsc.gov.in। तो चलिए आइए और अच्छे से देख लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किया गया है। ये तो आपको पता ही है कि किसके लिए। जी हाँ, ये मेडिकल ऑफिसर ग्रुप बी के लिए जो कि होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर है उनके लिए। लिंक जो मैंने बताया है वही है www.opsc.gov.in। और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यहाँ पे। पेमेंट जो है वो भी है इसमें। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि कितनी फ़ी लगेगी, क्या लगेगी, कब से रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है। तो रजिस्ट्रेशन जो है 21/5/2021 से लेके 22/6/2021 तक है। ये आपको पता होना चाहिए कि 29/6/2021 इज़ द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो 29/6/2021 जो है वो आखिरी डेट है रजिस्ट्रेशन करने का, आखिरी सबमिशन जो आपका ऑनलाइन होगा उसका। दरअसल ये जितनी सीटें हैं ये हैं 186 सीट। तो ये बहुत ह्यूज सीट है जिसके लिए आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। पूरे इंडिया की तरफ से सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल की अगर बात की जाए तो 44,900 जो है इसका पे स्केल है। और ये लेवल 10 का है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बढ़िया पे स्केल है। आइए अब नीचे बढ़ते हैं, वैकेंसीज़ को देख लेते हैं। वैकेंसी की पोजीशन किस तरीके की है और किन लोगों को यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी मिलेगी। तो ये जो 186 सीट है वो दरअसल यूआर की अगर बात की जाए कैटेगरी वाइज तो 87 सीट्स हैं उनके। और उसके बाद SEBC की अगर बात की जाए तो 6 है। और SC की बात की जाए तो 8 सीटें हैं। और ST की बात की जाए तो 85 सीटें हैं। टोटल सीट्स की बात की जाए तो 186 सीट्स हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि अगर आपको छूट चाहिए तो किस तरीके के यहाँ पे छूटें हैं। और पोस्ट भी जो है अगर कैटेगरी वाइज सब कैटेगरी की बात की जाए तो इस तरीके के है कि स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप हैं तो 2 सीट्स उसके लिए अवेलेबल है। एक्स सर्विसमैन है तो 6 सीटें हैं। पर्सन विद डिजेबिलिटी जो भी अगर आपका दिव्यांग है उनके लिए जो सीटें हैं वो 7 सीटें हैं, जिसमें कि लो विजन की बात की जाए तो उसमें 2। और हेयरिंग अगर कान में सुनने में प्रॉब्लम है तो 2। और फिर लोकोमोटरी डिजेबिलिटी चलने फिरने इस तरीके का जो प्रॉब्लम है या फिर शॉर्ट हाइट या इस तरीके की प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं तो उसमें 3 सीटें हैं। तो टोटल मिला के ये 7 सीट्स हो गई। चलिए आइए देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। एज की बात की जाए तो आप 21 साल से 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें और एक चीज़ देखने वाली है कि एज भी रिलैक्सेशन मिलेगा जैसे कि होता है, ठीक है। तो ये तो कुछ नहीं है, 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है इन्होंने ST, SC और SEBC को, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी BHMS की डिग्री होनी चाहिए, यही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अगर आप बाहर से अप्लाई करना चाहते हैं जो कि अगर आप उड़ीसा के नहीं हैं तो आपके पास रिकॉग्नाइज्ड जो है CCH की जो लाइसेंस होता है, जो सर्टिफिकेट आता है वो होना चाहिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि CCH क्या है और ये कैसे अप्लाई करते हैं, इन सब के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, वो ज़रूर आप देख लें। आइए आगे बढ़ते हैं और एग्जामिनेशन फ़ी को देखते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो 500 है सबके लिए। SC ST को छूट है, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि OPSC जो कंडक्ट करती है एग्ज़ाम, उसमें आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बहुत इजी है, ठीक है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा और सिस्टम है। मेथड ऑफ सिलेक्शन किस तरीके का होगा, तो सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका जो भी आपने 10th, 12th और BHMS में गेन किया है उसके हिसाब से आपको 30% मिलेगा और 70% जो है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन का लिया जाएगा। अब 2 पेपर्स होंगे
जो कि 100 नंबर ईच के होंगे, याद रखिएगा 100 नंबर हर पेपर में होगा, यानी कि 100 नंबर का एक पेपर, सेकंड पेपर 100 नंबर का होगा। अब यहाँ पे बात ये है कि ड्यूरेशन क्या होगा, 1.5 आवर का ईच पेपर होगा, यानी कि 1.25 घंटा का हर पेपर होगा। पेपर जो है MCQ होगा, जो भी BHMS करिकुलम है उसी के हिसाब से पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग सिस्टम जो है यहाँ पे, नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। द डिटेल सिलेबस इज एनक्लोज्ड एट एन, ओके, जो भी है वो डिटेल सिलेबस आपका ए नंबर पे दिया हुआ है, वो हम जरूर जाके देख लेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं कि कमीशन और क्या क्या कह रही है। मेरिट लिस्ट, टेस्ट और आपके जो नंबर्स आपने पाए हैं उसके हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा। चलिए आइए आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्जामिनेशन कटक में होगा, भुवनेश्वर। चलिए आइए और आगे देख लेते हैं कि अदर एलिजिबल कैंडिडेट्स, एलिजिबिलिटी जो होगा कंडीशन का, अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस वो किस तरीके की होगी। वो आपको इंडियन होना चाहिए आपको। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ हेर फेर हो गया, यहाँ दिक्कत हो गई। अगर आप बाहर के भी हैं तो यहाँ जो है कंडीशंस थोड़ी डिफर हो गई। आप बाहर के हैं, सब चाहते हैं कि अप्लाई करें, लेकिन यहाँ एक दरअसल यहाँ लिखा है कि द कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक ओडिया। तो आपको ओडिया बोलना पड़ेगा, लिखना आना चाहिए आपको। तो ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि बोलना लिखना पढ़ना सब आना चाहिए। और फिर आपका मिडिल स्कूल जो पास होना चाहिए वो एक उड़िया लैंग्वेज से होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन जो आपका होना चाहिए पास, वो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के लिए, वो भी उड़िया मीडियम में होना चाहिए। अगर ये सब मैं कहती हूँ, अगर दिल्ली देने लगे, बिहार देने लगे, यूपी देने लगे तो कितना मुश्किल होगा लोगों के लिए। वे पास इन उड़िया एज लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12 एंड अबव, और पास अ टेस्ट इन उड़िया इन मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाई द स्कूल। ओ माई गॉड, अब देखिए बहुत कुछ है, ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता ये उड़ीसा के ही लोग जो हैं वो अप्लाई कर पाएंगे, कोई बाहर का नहीं अप्लाई कर पाएगा। आप सोचिए तमिलनाडु में अगर ये कंडीशन रख दे तो फिर क्या हो जाएगा। तो बहुत गलत है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये कंडीशंस यहाँ पे दे दी गई हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना होगा अगर आप किसी भी जगह काम कर रहे हों तो, UPSC या ऐसे कंडक्ट्स, ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और तो कुछ खास है नहीं इसमें। तो लास्ट डेट से पहले देखिए क्या है, द कैंडिडेट मस्ट हैव टू रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ अंडर द उड़ीसा स्टेट बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन और ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉ। ये भी एक गजब है कंडीशन, जिसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा उड़ीसा स्टेट बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन का। तो आप तो भर ही नहीं सकते, बाहर के कोई भी नहीं भर सकते, उड़ीसा के रहने वाले ही इसमें भर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जबकि वहाँ पे लिखा हुआ था ऊपर में कि आप अगर CCH भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं बाय द क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विद कंसीडर। ओके, आप सबसे गुजारिश है कि आप एज लिमिट को फुलफ़िल कीजिए, क्वालिफिकेशन को फुलफ़िल कीजिए, तभी आप जाके इसे भरिए। और यही सारी कंडीशंस थी जो मैंने आपको बताई। इसमें एक चीज़ अच्छी है कि आप जो एग्ज़ामिनेशन देंगे उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है हर कैंडिडेट के लिए कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए और उसके बाद फिर एग्ज़ामिनेशन देने के लिए बैठ जाइए। और आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, सब पे टिक लगाना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह के बारे में यहाँ पे बात है, फुल्ली साइन होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या है। नोट 1, ग्रेड मार्क्स और इन सब चीज़ों के बारे में बात है। चलिए आइए और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि और क्या क्या कंडीशंस है यहाँ। SC ST OBC के बारे में, डेट ऑफ बर्थ, अच्छा उड़ीसा, वो बताया गया है कि SC ST और SEBC जो भी लोग हैं वो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो वहीं का माना जाएगा जो उड़ीसा का होगा, बाहर का जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, कुछ भी ऐसा नहीं है।
चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन लगाई गई हैं जो बहुत ही टफ है। मैं नीचे पीडीएफ दे दूंगी, आप जाके पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं और लिंक पे जाके आप इजीली देख सकते हैं कि कहाँ क्या कंडीशंस है, कैसे ये करना है, ठीक है, और हाउ टू अप्लाई। इसमें आपको opsc.gov.in पे जाके आपका सब कुछ अप्लाई करना होगा, आपको फिल करना होगा। तो ये सारे यहाँ पे लिखे गए हैं कि किस तरीके से आप सब कुछ डालेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्लोजिंग डेट जो है वो फिर से मैं आपको बता दूं कि 21/5/2021 से आपको 22/6/2021 तक 11:59 जो भी है उसके हिसाब से, यानी 12 बजने के पहले ही आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन की बात। और अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन विल बी डन इन द वेबसाइट फ्रॉम 21/5/2021 टू टिल 29/6/2021, राइट। तो आपको सारी डिटेल्स मैंने बता दी है। एग्जामिनेशन प्लान की यहाँ पे बात हो रही है तो 100 नंबर इच पेपर का होगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। अब आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। अब आइए देख लेते हैं किस तरीके का पेपर सेट होगा। पहला पेपर जो होगा वो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का 20 मार्क्स, ऑब्स्ट्रेक्ट एंड गायनी का 10, सर्जरी का 15, कम्युनिटी ऑफ मेडिसिन का 15, FMT का 10 और पैथोलॉजी का 10, एनाटॉमी के 10 और फिजियोलॉजी एंड बायो केमिस्ट्री का 10। तो इस तरीके से 100 नंबर का एक पेपर हो गया। अगर पेपर टू की बात की जाए तो मैट्रमेडिका, ऑर्गेनन और रिपर्ट्री और होम्योपैथी फार्मेसी होगा, ठीक है। पेपर टू इजी होगा क्योंकि बेटर मेडिका है 30 नंबर का होगा, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है जो 25 नंबर का होगा, रिपर्ट्री जो 25 नंबर, होम्योपैथी फार्मेसी जो है 20 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर। इस तरीके से पूरा ग्रैंड टोटल आपका किया जा रहा है और यही थे पूरे के पूरे तरीके जिससे आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा बहुत ही। और हाँ, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको नहीं बता पाई, तो वो ये है कि क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है 50% होगा। अगर आप इसमें 50-50 आपको लाना होगा, ठीक है। अगर पहला पेपर की बात की जाए तो पहला पेपर में आपको 50 नंबर लेके आने हैं, दूसरे पेपर में भी 50 नंबर लेके आने हैं, तब आप सेलेक्टेड हो, मतलब सेलेक्टेड सेलेक्शन की लिस्ट में आप आ जाएंगे, यू आर, ठीक है। सेकेंड जो है, अगर आप SEBC हैं, ठीक है, ओ अच्छा ठीक है, इन दोनों कैंडिडेट्स के लिए, और 45% उनके लिए जिनको जो PH कैटेगरी है, ठीक है, PH आप समझ गए, 40% उनके लिए जो SC ST हैं, तो फिजिकली जो हैंडीकैप है उनके लिए 45 है, और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 45 दिया हुआ, 40% दिया हुआ SC ST के लिए, गलत है, जो भी हो। तो ये आप देख रहे हैं कि 40% आपको लाना होगा ST और SC कैंडिडेट्स को, ओके, यानी 40-40 नंबर उनको लाने हैं, 45 लाना है PH को, फिजिकल हैंडीकैप को, ओके। तो ये पूरी की पूरी कंडीशंस जो थी मैंने आपको बता दी हैं। और अब अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई भी उड़ीसा का है और आप चाहते हैं कि वो भी इस एग्जामिनेशन को दे, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, और दूसरों को भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, जल्दी से जल्दी मेरा नोटिफिकेशन जानने के लिए ज़रूर से ज़रूर इस मेरे जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।